एक संत अगर कुछ बोलता है तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन ओवैसी लगातार जहर उगल रहा है। आपने कोई मुकदमा देखा उसके ऊपर? अभी दिल्ली में हुआ, लेकिन वो मुकदमा खत्म हो जाएगा। तौकीर रजा 5 बार जहर उगल चुका, प्रधानमंत्री तक को गाली दिया और कहा कि आकर के कलमा पढ़े। वो आग्रह कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं करवाई। वोट के लालच में कितने गिरेंगे नेता? तो इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बृहत्तर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए काली सेना के नेतृत्व में चलाए जा रहे हिंदू राष्ट्र अभियान के साथ जुड़िए। सबसे पहले अपने उत्तराखंड को बचाइए, उनसे आप कोई भी आर्थिक व्यापार मत कीजिए, आर्थिक व्यवहार मत रखिए उनके साथ। कोई भी फल की दुकानें सभी उन्हीं की हैं, सब्जी की दुकानें सभी उन्हीं की हैं, अब क्या करोगे? नहीं, आप खोजिए, और नहीं खोजिए तो अपने के आपके बीच से कोई निकले और सब्जी का व्यापार शुरू करे, फल का व्यापार शुरू करे। अगर आर्थिक आर्थिक दिक्कत है तो मुझसे बताएं, मैं उसका आर्थिक सहयोग करके उसकी दुकान खड़ा करने का काम करूंगा। लेकिन आप किसी भी सूरत में उनसे न सब्जी खरीदिए, न फल खरीदिए, न कोई सामान खरीदिए, न पंचर बनवाइए। यदि आपने उनको आर्थिक रूप से ऐसे ही मजबूत करते रहे, वो मजबूत हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यहां से जब आप जाएंगे, सुशील जी ने बहुत व्यापक तरीके से कह दिया है, चूंकि ये हिंदू पंचायत है, हिंदू पंचायत के निर्णय होते हैं। अभी आपके बीच से कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो प्रश्न करेगा, हम लोग उत्तर देंगे। सामूहिक रूप से यह घोषणा होगी कि यह पंचायत का निर्णय है कि उत्तराखंड के हिमालय को देवालय घोषित किया जाए। क्या आपका स्वर है इसमें कि उत्तराखंड के हिमालय को देवालय घोषित किया जाए? अगर है तो हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग हैं जो हिमालय को देवालय घोषित करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो हिमालय को देवालय घोषित करना चाहते हैं? हर हर महादेव। जिस दिन हिमालय देवालय घोषित हो जाएगा, उस दिन हिमालय में कोई भी गैर हिंदुओं का संस्थान नहीं होगा, कोई पूजा घर नहीं होगा। मैं तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। और दुनिया के कई ऐसे स्थान हैं, क्या हम वेटिकन जा सकते हैं? क्या हम मक्का जा सकते हैं? क्या मक्का में पूजा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते, क्या हम किसी मस्जिद में पूजा कर सकते हैं? क्या हम किसी गिरजाघर में पूजा कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो तुम हमारे मंदिर में मस्जिद बना करके पूजा कैसे कर सकते हो? नमाज कैसे अदा कर सकते हो? बाइबिल कैसे पढ़ सकते हो? यह प्रश्न उठाइए, और यह प्रश्न आपके फंडामेंटल राइट मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। हिमालय की रक्षा, चार धामों की रक्षा, जागेश्वर बागेश्वर की रक्षा, यह आपका परम धर्म है। यदि आप इसको भी नहीं कर पाए और घर में सोते रहे, जम्हाई आती रही, तो फिर आपको बचाने के लिए कोई ऊपर से देवदूत नहीं आने वाला है। फिर आपकी हालत वही होगी जो अफगानिस्तान की हुई, वही होगी जो पाकिस्तान की हुई, वही होगी जो बांग्लादेश की हुई, जो ईरान और इराक की हुई, और दुनिया के 57 देशों की हुई, वही हश्र होने वाला है। उनके आंदोलन लगातार चल रहे हैं। हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं रोटी बनाने में बिजी हैं, उनकी माताएं पत्थर चलाती हैं जाकर के। वो कौन सा स्थान था दिल्ली में बना हुआ था जो CAA का आंदोलन चल रहा था? अब सोचिए, उनके मूवमेंट की बात बता रहा हूं। 4 बड़ी बिल सरकार ले आई, चारों नहीं लागू होने दिए। अभी तीसरे पे अग्निवीर पे अग्निपथ क्या क्या ले आए, उसका भी विरोध केवल इस्लामिक लोगों के नेतृत्व में चल रहा है। CAA बने हमको लगता है 3 से 4 साल हो गया। सबसे पहले 370 से शुरू करता हूं। 370 के लिए सुशील पंडित जी बैठे हैं, इनको पता है कि 370 खत्म होने से कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने रातों रात कोरोना के बीच में डोमोसाइल का एक कानून ले आए, उसको बताना भूल गए सुशील जी। और अब जो बिहार वाले सपना देख रहे थे कि मुझे भी जाके कश्मीर में घर बनाना है, वो सपना खत्म हो गया। अब उत्तराखंड के लोग कश्मीर जाकर के घर नहीं बना सकते, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग घर नहीं बना सकते, और यहां तक कि जो कश्मीर में भी था, कश्मीरी पंडित है, उसको भी सर्टिफिकेट बनवाने में उसकी नानी याद आ जा रही है। क्यों सुशील जी? प्रूफ करना है आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड कश्मीर न बने, आपकी चारों धाम और जागेश्वर और बागेश्वर भगवान की रक्षा हो सके।
उत्तराखंड में ऊपर हिमालय में जाने के लिए आपको वीजा ना लेना पड़े, रजिस्ट्रेशन न करवाना पड़े, इसके लिए आप अभी से तैयारी करिए और हिमालय को दिवाले घोषित करवाने के लिए अपना संकल्प लीजिए, तब यहां से जाइए। मैं अपनी बात को इस संकल्प के साथ कि जब आप यहां से जाएं तो जो हमने पांच हमने कहा है, मांस मदिरा और मुसलमान, तीन चीजों से उत्तराखंड को मुक्त करना है। मांस मदिरा और मुसलमान, इस तीन चीजों से उत्तराखंड को मुक्त करना है। मैं जब मुसलमान का जिक्र करता हूं तो रोहिंग्या मुसलमानों की बात है, जिहादी मुसलमानों की बात है, कुछ अच्छे मुसलमान भी जो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, जो नमाज पढ़ लिया, जो कुरान पढ़ लिया वो गड़बड़ हो जाता है, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूं। मैं आपके लिए फ्लोर 15 मिनट के लिए ओपन करता हूं कि आपके पास यदि कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य मुझसे, सुशील जी से या जिससे भी चाहिए उससे करिए, उसके बाद नौटियाल जी का धन्यवाद ज्ञापन होगा।